hello students today we are going to discuss about the main form of electronic banking there are several forms of electronic banking or e banking but today we will discuss only two forms of e banking so let us first remember that revise that what is e banking e banking is electronic banking the banking the transactions which are done with the help of pc or computer or uh, which is done through internet okay so that is e banking then now let us see the first form of electronic banking that is efts efts means electronic fund transfer system under this system money can be transferred from one account to another account for example a bank transfer wages and salaries directly from the company's account to the accounts of employees of the company under this system money is transferred fund is transferred from one account to another account suppose let us take the example of icici bank in icici bank one account uh, there are several accounts are there yes so let us take one account is of company's account and one account is of employee's account ओके okay, एक एम्प्लॉय का अकाउंट है मिस्टर ए का अकाउंट है और एक कंपनीज अकाउंट है सो इट इज़ यूज टू ट्रांसफ़र द मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट लाइक कंपनी को अगर सैलरी देनी है मिस्टर ए को सो व्हाट दे विल डू दे विल डायरेक्टली ट्रांसफ़र अपनी कंपनी अकाउंट में से वो मनी ट्रांसफ़र करेंगे टू एज़ अकाउंट ए कौन है उनका एम्प्लॉय सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम सो फॉर एग्जाम्पल इट इज़ गिवन अ बैंक ट्रांसफर वेजिज़ एंड सैलरी डायरेक्टली फ्राम द कंपनीज अकाउंट टू द अकाउंट ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी दिस सर्विस सेव बोथ इम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयी फ्रॉम द इनकन्वीनियंस एंड रिस्क ऑफ हैंडलिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कैश कोई कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी नाइडर इम्प्लॉ नीड नॉर एनी इम्प्लॉयर नीड टू कैरी एनी कैश सो दिस इज वॉट ये एक कन्वीनियंट मेथड है इकोनॉमिकल मेथड है देयर इज़ नो रिस्क ऑफ हैंडलिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कैश देन सम समजाम्पल्स ऑफ ई एफ टी एस आर गिवन फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट क्रेडिट जो क्रेडिट होता है अकाउंट में जैसे कि सैलरी क्रेडिट सैलरी किसी पर्सन के बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गई पेंशन किसी के बैंक अकाउंट में आ गई डिविडेंट ऑन शेयर्स जो शेयर्स पर डिविडेंट मिलता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कोई कमीशन मिलना है वो कमीशन ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए या रॉयल्टी है सो एट्सेट्रा आर डायरेक्टली क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट ऑफ अ पर्सन जो पर्सन है जिसका बैंक अकाउंट है उसके अकाउंट में ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाना उसके बैंक में ऑटोमेटिकली अमाउंट आ जाना देन सेकेंड इज डायरेक्ट डेबिट्स डेबिट्स क्या होता है हमारे अकाउंट से डायरेक्टली ऑटोमेटिकली कट जाना है अमाउंट जैसे कि अगर हमें कोई लोन का इंस्टॉलमेंट है हमें ध्यान नहीं है तो हमने विद द हेल्प ऑफ ई एफ टी एस हमने एक ऐसा आ, एक वीक वीकेंड से हमने ई एफ टी एस एक सर्विस ऐसी ले रखी है बैंक से कि उससे ऑटोमेटिकली जो हमारी ड्यू डेट है उसमें अपने आप ही अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा जैसे लोन इंस्टॉलमेंट है स्कूल फ़ीस है कोई इंश्योरेंस का प्रीमियम देना है टेलीफोन बिल पे करना है इलेक्ट्रिसिटी बिल इज़ दिया वाटर बिल क्लब मेंबरशिप फ़ीस क्रेडिट कार्ड ड्यूज एट्सट्रा सो दीज आर डायरेक्टली डेबिटेड टू द बैंक अकाउंट ऑफ द अकाउंट होल्डर अकाउंट होल्डर के बैंक अकाउंट से अपने आप ही वो अमाउंट डिडक्ट हो जाता है सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ़ ई एफ टी एस देन देर आर सेवरल एडवांटेजेस ऑफ़ ई एफ टी एस दैट इज़ फर्स्ट वन पेमेंट्स आर मेड ऑन ड्यू डेट्स जो भी उनकी ड्यू डेट्स होती हैं लाइक फर्स्ट ऑफ़ एवरी मंथ अगर फर्स्ट ऑफ़ एवरी मंथ में तो आपके अकाउंट से अपने आप ही डिडक्ट हो जाएगा स्पेशली जाके बैंक में रिमाइंड कराने की ज़रूरत नहीं है सो विद द हेल्प ऑफ ई जो भी ड्यू डेट होगी उसके अकॉर्डिंगली अपने आप ही अमाउंट डिडक्ट हो जाता है देन सेकेंडली देयर इज़ नो लॉस इन ट्रांसट ऐसा कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बीच में अमाउंट कहीं गायब हो जाएगा या कोई लॉस हो जाएगा बीच में ऐसा कुछ नहीं है ऑटोमेटिकली अमाउंट ट्रांसफर है तो कोई बीच में लॉस होने की कोई अमाउंट वगैरह इधर से उधर होने की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ओके देन थर्ड नो एक्सपेंसेस आर टू मेड ऑन करस्पॉन्डेंस कोई इस पर कोई चार्जेस नहीं लगते हैं कोई एक्सपेंसेस नहीं है अदर देन द अमाउंट इट्स देन फोर्थ देयर इज़ नो मिस हैंडलिंग ऑफ कैश कोई इनकन्वीनियंट नहीं है कोई कैश कैरी नहीं करना है कोई कैश डिपॉजिट नहीं करना है कुछ इस तरीके का कोई इशू नहीं है देन ट्रांजेक्शंस आर एफर्टलेस कोई एफर्ट नहीं करना है इट इज़ सो एफर्टलेस दैट इट इज़ ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट सो इजली ओके सो दिस इज़ वॉट ई एफ टी एस दिस इज़ वन फॉर्म ऑफ ई बैंकिंग दैट ई बैंकिंग की एक फैसिलिटी में एक ई एफ टी एस भी एक फैसिलिटी है ओके ई बैंकिंग का ही एक पार्ट है कि ई बैंकिंग में क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं तो फर्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम इट मीन्स वी कैन ट्रांसफर द अमाउंट इजीली विदाउट मच एफर्ट फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट देन कम टू द सेकेंड फॉर्म ऑफ ई बैंकिंग दैट इज़ ऑटोमेटिक टेलर मशीन ए टी एम आई थिंक एवरी वन हैज़ हर्ड अबाउट ए टी एम वॉट इज ए टी एम इट इज़ एन ऑटोमेटिक मशीन कस्टमर कैन विदड्रॉ और डिपॉजिट मनी विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन आई थिंक विदड्रॉ एवरी वन सीन डिपॉजिट मशीन वी डोंट हैव दिस साइड सो विदड्रॉ मीन्स वी कैन टेक द मनी वी कैन विदड्रॉ द अमाउंट विदाउट गोइंग टू द बैंक इस मशीन से हम अमाउंट विदड्रॉ कर सकते हैं जो हमारे अकाउंट में अवेलेबल होंगे एंड विदाउट गोइंग टू द बैंक बैंक जाने की नीड नहीं है सो इट इज़ एन ऑटोमेटिक मशीन कस्टमर जो है ही कैन विदड्रॉ और डिपॉजिट मनी विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन हाओ ही कैन विदड्रॉ द अमाउंट बाई इंसर्टिंग हिज और हर ए टी एम कार्ड एंड टाइपिंग हिज और हर पर्सनल आइडेंटिटी नंबर एक पिन होता है पिन नंबर को इंसर्ट करना होता है फर्स्ट ए टी एम कार्ड इंसर्ट करते हैं देन यू हैव टू राइट योर पर्सनल आइडेंटिटी नंबर दैन यू कैन विदड्रॉ द अमाउंट हाउ मच यू कैन दैन ए टी एम ऑपरेट्स फॉर ऑल द ट्वेंटी फोर आवर्स दिस इज़ वन फैसिलिटी गिवन ए टी एम ट्वेंटी फोर आवर्स वर्क करते हैं दिस इज मच लेस कॉस्टली एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग दैन अ ह्यूमन टेलर ह्यूमन टेलर मीन्स बैंक एम्प्लॉय बैंक जाने से ये बहुत ज़्यादा लेस टाइम कंज्यूमिंग है ईज़िली हम इससे कहीं से भी अमाउंट विदड्रॉ कर सकते हैं Then seeing the popularity of ATM, bank have now began to install other devices such as cash depositing machine in which you can deposit loose cash. Passbook printer. Nowadays jab ATM kit popularity, ho gai, then what bank think? Bank thought of to issue some more machines like uh, cash depositing machine, then passbook printer. Now you can print your passbook with the help of a machine, no need to go to the bank. और नो नीड टू गो टू द्यूमन टेलर ज़रूरी नहीं है कि आप बैंक एम्प्लॉय के पास जाकर ही अपनी पासबुक प्रिंट कराएँ देयर इज़ अ पासबुक प्रिंट मशीन दैन ऐट प्रेजेंट देयर आर अराउंड नाइन्टी वन थाउजेंड ए टी एम सो दिस इज ऑल अबाउट ए टी एम एंड अबाउट ई एफ टी एस आई होप यू ऑल अंडरस्टुड अबाउट दिस टू फॉर्म्स ऑफ ई बैंकिंग टमारो विल डिस्कस अबाउट डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड ओके थैंक यू